प्रिय दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि मंगल देवता मेष लग्न की कुंडली में यदि यदि सिक्स्थ हाउस में विराजमान हो तो क्या प्रभाव देंगे अपना। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि मेष लग्न की कुंडली में मंगल देवता यदि सेवन्थ हाउस में स्थित हो तो क्या प्रभाव देंगे, क्या रिजल्ट देंगे, आपके जीवन पे कैसा प्रभाव डालेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमें ये देखना है कि सेवन्थ हाउस आपकी किन किन चीज़ों को बताता है, आपके जीवन में किन किन चीज़ों को बताता है, किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। सेवन्थ हाउस ये है, ये फर्स्ट हाउस है, ये जो आपका घर है ये आपने आपको रिप्रेजेंट करता है, और ये जो अपोजिट हाउस है ये सेवन्थ हाउस है, इस सेवन्थ हाउस आपकी वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, आपके लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, आपकी जो बिजनेस पार्टनर है उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी मार्स सेवन्थ हाउस में बैठेगा दोस्तों तो ये एक मांगलिक दोष बनाएगा। जब भी मार्स फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस में बैठता है तो मांगलिक योग बनाता है, जिसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अच्छा नहीं माना गया है। और वैसे भी मार्स सेवन्थ हाउस आपकी वाइफ का है, रिलेशनशिप का है, और मार्स एक एग्रेसिव प्लेनेट है, मतलब मार्स एक बॉर्डर पर खड़ा हुआ सिपाही है, बंदूक लेके खड़ा हुआ सिपाही है। अगर वो सेवन्थ हाउस में आएगा तो आपके वैवाहिक जीवन को बहुत प्रभावित करेगा, आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ट्रबल देगा, क्योंकि सेवन्थ हाउस पार्टनरशिप का है, वाइफ का है, आपकी पत्नी का है, आपके लाइफ पार्टनर का है। तो हो सकता है कि आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो, आर्ग्यूमेंट हो, हॉट आर्ग्यूमेंट हो, मैरिड लाइफ में स्ट्रगल रहेगा आपकी। सेवन्थ हाउस में जो राशि बन रही है वो वीनस है, शुक्र की राशि बन रही है। मार्स और शुक्र आपस में सम है, न दोस्त है न दुश्मन है। और शुक्र क्या है, कामनाओं का घर है, इच्छा पूर्ति का घर है। शुक्र कामनाओं को दर्शाता है आपको, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी वाइफ की डिमांड्स बहुत ज़्यादा हों और इनको आप पूरी ना कर पाएं, इस वजह से दाम्पत्य जीवन में नेगेटिव प्रभाव पड़े। जब भी कोई प्लेनेट किसी घर में बैठता है तो उस घर में उस प्लेनेट की क्वालिटी आ जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी वाइफ, अब जब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेवन्थ हाउस में बैठेगा तो सेवन्थ हाउस में अब मार्स की क्वालिटी आ जाएगी। मार्स क्या है, करेज, विल पावर, लड़ाई झगड़ा, एग्रेसिवनेस। अब सेवन्थ हाउस पत्नी का है तो पत्नी में आ जाएगी ये सारी चीज़ें। सॉरी, तो हो सकता है आपकी पत्नी झगड़ालू हो, लेकिन यहाँ मार्स बैठ के आपको सेक्सुअली एक्टिव एनर्जेटिक बनाएगा, तो फिजिकली कंपेटिबिलिटी के लिए अच्छा है आपके लिए, फिजिकली कंपेटिबिलिटी के लिए अच्छा है। अब मार्स जो सेवन्थ हाउस में बैठा हुआ है, सेवन्थ हाउस आपके बिजनेस पार्टनरशिप को भी देखता है, बिजनेस पार्टनर को देखता है, तो हो सकता है बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो, आर्ग्यूमेंट हो उनके साथ, पार्टनरशिप ब्रेकअप हो जाए आर्ग्यूमेंट के कारण, क्योंकि मार्स एक एग्रेसिव प्लेनेट है, ये जहाँ भी बैठता है वहाँ पर सेपरेशन दिखाता है। यदि सेकेंड हाउस में बैठेगा तो फैमिली के साथ सेपरेशन दिखाएगा, थर्ड हाउस में बैठेगा तो अपने छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप बेकार करेगा, फोर्थ हाउस में बैठेगा तो मदर के साथ रिलेशनशिप में कमी आएगी, सेवन्थ हाउस में बैठेगा तो पत्नी के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे, नाइन्थ हाउस में बैठेगा तो पिता को साथ थोड़ा आर्ग्यूमेंट देगा। तो मार्स एक सेपरेटिव प्लेनेट है, इसका नेचर है, आपका गोला है, उसके पास नहीं जा सकते आप। तो ऐसे ही बिजनेस पार्टनर है उनके साथ भी आर्ग्यूमेंट होंगे, आपके बिजनेस पार्टनरशिप ब्रेकअप होगी। हाँ, यहाँ पे अगर मार्स अकेला, मार्स
बैठा हो और बंदा अकेला बिजनेस करे तो आपके बिजनेस को बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि मार्स एक एनर्जी है। आप अपनी एनर्जी को इंडिविजुअली बिजनेस में लगा सकते हो। करेज है, विल पावर है, इसकी जरूरत पड़ती है बिजनेस को आगे बढ़ाने में। तो यहाँ पे वैवाहिक जीवन में आपको दिक्कत देगा। और ये एट हाउस को भी लीपर जो मार्स है वो फर्स्ट हाउस और एट हाउस दो दो घरों का स्वामी है। एट हाउस आपके इनलॉज का भी है, इनलॉज का भी है, तो हो सकता है कि इनलॉज के साथ भी अच्छी नहीं बने, डिस्प्यूट है उनके साथ भी, क्योंकि एट हाउस का स्वामी सेवंथ हाउस में बैठा है, मतलब अपने से एक घर पीछे चला गया, तो इस हाउस के रिजल्ट को वो थोड़ा सा कमी करेगा। अब मार्स यहाँ पे बैठ के अपनी फोर्थ दृष्टि से टेंथ हाउस को देखेगा। टेंथ हाउस किसका है? टेंथ हाउस आपके कैरियर का है, आपके प्रोफेशन का है, सोशल स्टेटस का है, गवर्नमेंट का है। तो बंदा पर्सन है वो अपने कैरियर और प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए बहुत कोशिश करेगा, सोशल स्टेटस को ग्रो करने के लिए बहुत कोशिश करेगा, बहुत कंसर्न रहेगा अपने कैरियर प्रोफेशन के प्रति, कैरियर प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत हार्ड वर्क भी करेगा और देर सवेर उसको सफलता भी मिलेगी। सोशल स्टेटस को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करेगा। तो यहाँ पर जब मार्स फोर्थ दृष्टि टेंथ हाउस को देखेगा तो अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। अब यहाँ से मार्स फर्स्ट हाउस को देखेगा सेवंथ दृष्टि से, और फर्स्ट हाउस आपका मंगल का खुद का घर है, तो जब भी कोई प्लेनेट खुद के घर को ही देखता है तो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, उसे अच्छा करने की कोशिश करता है। तो मेष जो फर्स्ट हाउस को देखेगा, फर्स्ट हाउस क्या है? अपना लग्न है, आप खुद हो, ओवरऑल पर्सनैलिटी है आपकी, आपका माइंड है, आपका ब्रेन है, आपकी हेल्थ है, तो इनको अच्छा करने का कोशिश करेगा, इनको मजबूत करने की कोशिश करेगा। अब मार्स सेवंथ हाउस से बैठ के एट दृष्टि से सेकंड हाउस को देखेंगे। सेकंड हाउस आपकी वेल्थ का है, आपकी फैमिली का है, आपकी स्पीच का भी है। तो मार्स यहाँ पे स्पीच खराब कर देगा, आपकी वाणी को खराब करेगा, थोड़ा कर्कश बोलोगे आप, कर्कश बोलने से आपकी जो फैमिली के साथ है थोड़ा डिस्प्यूट होगा, वर्बल आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, क्योंकि मार्स सेपरेशन दिखाता है। मार्स, सूर्य, राहु, केतु, शनि ये सेपरेटिव प्लेनेट है, वेल्थ को भी डिस्टर्ब करेगा। तो मार्स यहाँ पे बैठ के सेवंथ हाउस में बैठेगा तो मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, मांगलिक दोष बनाएगा आपको, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है आपको। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आए तो लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स।